वेलकम टू एड्यूज। आज सेकंड लेक्चर होगा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। आज पटना में बहुत ठंडा है, लेकिन क्लास की गर्मी कल के जैसे ही बरकरार रहेगी। कल हमने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तीन चीज़ों के बारे में बात करा था। पहला रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और तीसरा बैलेंस शीट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को कल हम समझा चुके थे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ भी आ गई थी। और कल के लिए बहुत बहुत थैंक्स कि बहुत सारे व्यूज़ और बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझे मिले। इसके लिए आप सभी तमाम दर्शकों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अब कल का वो सब्सक्राइब का जो लिमिट, सब्सक्राइब की संख्या, उसकी नंबर्स को देख करके मेरे को और मोटिवेशन मिला। और आज का जो क्लास है वो कल से भी ज़्यादा एनर्जेटिक होगा। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था रिसिप्ट्स एंड पेमेंट के बारे में और इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स के बारे में। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट को समरी ऑफ कैश बुक बोला जाता है, मतलब कैश बुक के जैसा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा बोला जाता है। जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है उसको हम लोग फिर से याद कर लें कि वह समरी ऑफ कैश बुक क्यों कहलाता है। मतलब यो कि सिमिलर है कैश बुक के जैसा, लेकिन वो प्योरली कैश बुक नहीं है। इसका रीजन ये है कि कैश बुक की सारी क्वालिटीज उसमें नहीं है, कुछ क्वालिटीज है और कुछ क्वालिटीज नहीं है। और इनकम एक्सपेंडिचर की बात करें तो वो मोर और लेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा ही होता है। और जब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हमने सीखा कि उसमें रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस और इनकम्स को लिखते हैं। इट मींस, फिर से बोलना चाह रहा है, रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस और इनकम्स को लिखते हैं किसमें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बोला इसका दूसरा फीचर यह है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ करेंट ईयर के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को लिखेंगे और करेंट ईयर के रेवेन्यू इनकम्स को लिखेंगे, भले ही कैश बिजनेस से बाहर गया या नहीं गया, कैश बिजनेस के अंदर आया या नहीं आया। तो कल का क्लास हम लोगों ने रिकैप कर लिया, थोड़ा समझ लिया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बाद अगला जो सेगमेंट है वो हमारा बैलेंस शीट का है। अगला सेगमेंट हमारा बैलेंस शीट का है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस शीट हम लोग किस प्रकार से बनाते हैं, आइए इसको समझते हैं थोड़े अच्छे तरीके से। 11th में जिस तरीके से बैलेंस शीट हमने पढ़ा था वैसे ही बैलेंस शीट यहां भी पढ़ना है, कुछ अलग नहीं है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, बहुत लंबे चौड़े तरीके से टॉपिक को हम लोग खींचेंगे नहीं। एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए सिर्फ और सिर्फ हमको बैलेंस शीट के सिर्फ उस टॉपिक को पढ़ना और समझना है जो एग्जाम में आने वाला है। लेकिन कुछ बेसिक बात बैलेंस शीट के प्रैक्टिकल आस्पेक्ट को समझने से पहले हम लोग कर लेते हैं। उसमें सबसे पहले आते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपको किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम दो बनाना पड़ सकता है। अगर आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के साथ अगर बैलेंस शीट बनाने को दिया है तो आपको दो बनाना पड़ सकता है। पहला बैलेंस शीट ओपनिंग बैलेंस शीट और दूसरा क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का जो मेन पर्पस होता है वो होता है टू फाइंड आउट ओपनिंग कैपिटल फंड, टू फाइंड आउट ओपनिंग कैपिटल फंड। और क्लोजिंग बैलेंस शीट आपका ये फाइनल स्टेटमेंट है। अगर क्लोजिंग बैलेंस शीट का दोनों साइड मैच कर गया तो आप ये समझेंगे कि आपका क्वेश्चन क्या सही बन गया। बैलेंस शीट के बारे में और ज्यादा डिस्कस करने का जरूरत नहीं है। बैलेंस शीट के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे कि इसमें दो साइड होता है, लेफ्ट साइड में लाइबिलिटीज और राइट साइड में एसेट्स, चाहे वो ओपनिंग हो या क्लोजिंग हो। जैसा कि हम लोगों ने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट, इन तीनों का कॉन्सेप्ट हम लोग समझ चुके हैं। अब इन तीनों को समअप करेंगे, एक साथ कंबाइन तरीके से हम लोग बनाएंगे और इस चीज़ को हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। इस एग्जांपल को एक बार हम लोग अच्छे तरीके से देख लेते हैं, फिर आपको इसको सॉल्व करके हम ये बताएंगे कि कैसे, इट मीन्स उसको कॉन्सेप्ट के साथ उसको मैच कराना है कि कैसे इस क्वेश्चन को उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए कैसे सॉल्व करते हैं, उसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। तो पहले हम लोग इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। जैसे यहां लिखा हुआ है ओपनिंग कैश ₹8,000, तो ओपनिंग कैश अगर आप 12 में हैं तो इसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ओपनिंग कैश का क्या मतलब होता है। जैसे ओपनिंग कैश का मतलब है उस अकाउंटिंग ईयर, उस फाइनेंशियल ईयर के ओपनिंग में कैश इन हैंड कितना पड़ा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन के पास। उसके बाद सब्सक्रिप्शन, ये जो 22,000 है ये मेरे कहने का मतलब है कि ड्यूरिंग द ईयर सब्सक्रिप्शन इतना रिसीव किया गया, इतना आप समझ पा रहे होंगे। आगे एंडोमेंट फंड, एंडोमेंट फंड ड्यूरिंग द ईयर कितना रिसीव किया गया, 30,000। इंट्रेंस फी,
इंट्रेंस भी कितना रिसीव किया गया है, रुपीज 10,000। सैलरीज कितना रिसीव किया गया, पेमेंट किया गया है रुपीज 6,000। रेंट ये पेमेंट किया गया रुपीज 5,000। डोनेशन ये पेमेंट किया गया रुपीज 3,000। और ऑनोरेरियम ये पेमेंट किया गया 4,000। तो ये आपका नॉर्मल क्वेश्चन है और उसके नीचे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है जिसमें चार पॉइंट्स हैं। सबसे पहला है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रुपीज 1,000 का, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रुपीज 2,000 का, ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन रुपीज 3,000 का, क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन रुपीज 5,000 का। ये चार एडिशनल इन्फॉर्मेशन है और ये छोटा सा क्वेश्चन का मेन इन्फॉर्मेशन है। इसको देखने के बाद इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। और उस सॉल्यूशन में हम लोग उस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे जो कॉन्सेप्ट हमने पिछले लेक्चर में किया है और आज के बैलेंस शीट के लेक्चर में हमने किया है। हम लोगों ने इस क्वेश्चन को देख लिया। इस क्वेश्चन को देखने के बाद अब इस क्वेश्चन से हम लोगों ने सबसे पहला चीज बनाया है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, जैसा कि आपके पास यहां, देखिए आपके पास ओपनिंग कैश है और कल हमने अगर बात किया था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक के जैसा होता है और कैश किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेट्स है। तो एसेट्स, अगर कोई भी एसेट्स अकाउंट है वो स्टार्ट कहां से होता है, तो वो स्टार्ट डेबिट से होता है। रीजन ये है, एसेट्स की पहचान किससे, डेबिट से है। तो जब कोई एसेट, इट मींस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो कैश बुक के जैसा है, तो कैश बुक का जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, डेबिट से। जो हम लोग इसकी चर्चा कल ही कर चुके थे आपके सामने कि यहां जो ओपनिंग कैश रुपीज 8,000 है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के पास अकाउंटिंग ईयर के शुरुआत में 8,000 कैश है, जिसके लिए हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या लिखते हैं, टू बैलेंस बीडी कैश 8,000। इस क्वेश्चन में बैंक का कोई बैलेंस नहीं है, तो सिर्फ हमने क्या लिया है, कैश लिया है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन के बारे में बताया गया था, यह किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के इनकम का मेन सोर्स है। तो सब्सक्रिप्शन हमने कितना रिसीव करा है, 22,000। तय बात है, रिसीव करा है तो कहां दिखाएंगे, रिसिप्ट साइड में। एंडोमेंट फंड भी कैपिटल नेचर का रिसिप्ट है, अगर हमने उसको रिसिप्ट किया है तो हम कहां दिखेंगे, एंडोमेंट फंड को हम रिसिप्ट साइड में हमने लिखा 30,000। उसके बाद है एंट्रेंस फी, ये रेवेन्यू नेचर का इनकम है, जब तक कि कुछ अदर इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में ना लिखे इसको रेवेन्यू नेचर का इनकम मानते। और कैश में अगर हमने रिसीव करा है तो रिसिप्ट एंड पेमेंट के रिसिप्ट साइड में तो हम लिखेंगे ही एंट्रेंस फी। उसके बाद अगला है सैलरीज, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को सैलरी मिलेगा नहीं, वो सैलरी पे ही करेगा। तो जब वो सैलरी पे करेगा तो आउटफ्लो है, कैश का आउटगोइंग है, कैश का पेमेंट है, तो हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में दिखाएंगे बाय सैलरीज कितना, 6,000। उसके बाद बात करते हैं रेंट की, रेंट भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए पेमेंट ही है, उसको हम लोग कहां दिखाएंगे, बाय रेंट रुपीज 5,000। उसके बाद करते हैं बात डोनेशन की, डोनेशन रिसीव किया गया है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ज्यादातर केसेस में ऑर्गेनाइजेशन डोनेशन रिसीव ही करता है, तो हम लोग उसको हम लोग रिसीप्ट में दिखाएं डोनेशन 3,000। उसके बाद है ऑनोरेरियम, ऑनोरेरियम सैलरी के जैसा ही होता है और वह पेमेंट है, तो कहां दिखाएंगे, पेमेंट साइड में रुपीज 4,000। तो रिसिप्ट का कुछ आइटम्स और पेमेंट का कुछ आइटम हम लोग कहां लेकर चले गए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। जो भी पैसा, जो भी कैश रिसीव किया गया है, उन सारे कैश को हम लोगों ने रिसिप्ट साइड में दिखाया, जो भी हमने पेमेंट किया उन सारे पेमेंट्स को हम लोगों ने पेमेंट साइड में दिखाया। फिर हम लोग कल की तरह बात करते हैं, कल हम लोग ने कहा था रिसिप्ट एंड पेमेंट के सारे इंफॉर्मेशन को पुट करने के बाद क्या करना है, कंपेयर करना है, क्या करना है, कंपेयर करना है। तो देखिए, रिसिप्ट साइड का जो टोटल है वो 73,000 है, रिसिप्ट साइड का टोटल 73,000 है, और पेमेंट साइड का में तीन आइटम है, सैलरीज, रेंट और ऑनोरेरियम, इन तीनों का टोटल है 15,000। टोटल रिसिप्ट आपका 73,000, टोटल पेमेंट आपका 15,000। तो हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर बचा ईयर के एंड में, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो क्लोजिंग कैश का बैलेंस बचा, वो हमारे पास बचा है 58,000। ये हमारे पास क्या बचा, 58,000। ये कौन सा बैलेंस है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कैश, बिकॉज इस क्वेश्चन में बैंक बैलेंस है ही नहीं। तो आप अच्छे तरीके से समझ गए कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को हम लोग किस प्रकार से बनाते हैं। एक कंप्लीट क्वेश्चन यहां दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में से कौन कौन सा डेटा रिसिप्ट एंड पेमेंट में ले गए, एक एग्जांपल के थ्रू हमने समझाने की कोशिश करी है। एक बात और, अगर आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो आप काइंडली उसको लाइक करना ना भूलें, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं,
ताकि आपका मोटिवेशन हमको मिलता रहे और हम आपको अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर देते रहे। हम लोगों ने रिसिप्ट एंड पेमेंट सीख लिया, अच्छे तरीके से समझ भी लिया। अब उसके आगे की बात करते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट के बाद हम लोगों को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्लोजिंग बैलेंस शीट और ओपनिंग बैलेंस शीट की बात करते हैं। यहां आप देख रहे होंगे कि ओपनिंग बैलेंस शीट के ऊपर हमने वर्किंग नोट लगा रखा है। इसका कारण यह है कि जो ओपनिंग बैलेंस शीट है ये आंसर का मेन स्ट्रीम नहीं, मेन पार्ट नहीं है। आंसर का मेन पार्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट है। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना होता है ओपनिंग कैपिटल फंड को जानने के लिए। यही वजह है कि इसके ऊपर हमने क्या लगा रखा है, वर्किंग नोट। मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट वर्किंग नोट का पार्ट है। क्वेश्चन का जो मेन सॉल्यूशन है, मेन सॉल्यूशन का पार्ट है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। यहां मेरे पास जो रॉ डेटा अवेलेबल है जिसके मदद से हमने क्या बनाया था, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो आप अच्छे तरीके से समझ गए। अब हम लोग इसी डेटा से ये दोनों चीज बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। जहां तक ओपनिंग बैलेंस शीट की बात है तो ये हम आपको बता चुके हैं कि ओपनिंग बैलेंस शीट आपको बनाना है सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग कैपिटल फंड को जानने के लिए। दूसरी बात ये है इंपॉर्टेंट कि अगर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाने की बात आ जाए तो इसमें थोड़ा सा ट्रिक, थोड़ा सा टेक्निक को इस्तेमाल करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम यह होगा कि एक क्वेश्चन को हमको तीन बार पढ़ना पड़ेगा। अभी हमको क्या करना है ना कि हम ऐसे तकनीक का इस्तेमाल करेंगे जिसमें एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे और हमारा सब कुछ बन जाएगा। तो पढ़ना कहां से यह इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को यहां से स्टार्ट करना है या यहां से, यह इंपॉर्टेंट है। तो हम आपसे कहना चाहेंगे जब कोई भी क्वेश्चन विथ एडजस्टमेंट या विथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन दिया रहे तो सबसे पहले ट्रीटमेंट हम लोगों को करना चाहिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन का। 11th का क्लास जब आप लोगों ने किया होगा तो उसमें आपके टीचर्स ने या आपने पढ़ा होगा कि एडजस्टमेंट्स वाले हर एक आइटम का ट्रीटमेंट कम से कम कितने जगह ले जाना है, दो जगह। इसका क्या कारण है ये 11th के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप लोग पढ़ चुके होंगे। फिलहाल हम आपको फिर से याद दिला देते हैं कि एडजस्टमेंट वाला, एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाला हर एक आइटम का ट्रीटमेंट यहां कम से कम दो जगह होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमने आपसे कहा कि जब भी कोई क्वेश्चन एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाला होगा तो उस कंडीशन में सबसे पहले ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन का। आइए हम समझते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहला इन्फॉर्मेशन है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ₹1,000। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ₹1,000, इसका मतलब क्या होता है, साल के शुरू में हमको ये पता है कि कुछ सब्सक्रिप्शन का अमाउंट ऐसा है जो पिछले साल मिल जाना चाहिए था, पिछले साल नहीं मिला, लास्ट ईयर नहीं मिला, तो इस साल के शुरू के ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिख रहा है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब वो सब्सक्रिप्शन जो मिला नहीं मिलने वाला है, जो सब्सक्रिप्शन मिला नहीं मिलने वाला है। मतलब जस्ट लाइक आप इसको एक डेटर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, डेटर। मतलब ये कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिजनेस के लिए एसेट है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिजनेस के लिए एसेट है। वो इस तरीके से वो सब्सक्रिप्शन जो एक्सपेक्ट करते हैं मिल जाना चाहिए लेकिन वो मिला नहीं, तो हम लोग उसको क्या बोले, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, एसेट है। तो हम लोग उसको कहां दिखाएंगे, एसेट में। एसेट कहां मिलेगा, बैलेंस शीट में। अब रह गई बात कि क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाना या ओपनिंग बैलेंस शीट में। तय बात है इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, ओपनिंग। तो हम लोग कहां लेकर चले जाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट में। आइए इसको हम लोग देखते हैं कैसे ट्रीट करते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में हम लोग लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अमाउंट कितना है, अमाउंट ₹1,000। हमने अभी कहा आपसे कि एडिशनल इंफॉर्मेशन वाला हर एक आइटम का ट्रीटमेंट कितने जगह करना है, दो जगह करना है। अब ध्यान दीजिए, एक जगह तो हम लोगों ने कर दिया, दूसरा जगह ध्यान दीजिए, ये आउटस्टैंडिंग ओपनिंग बना क्यों, पिछले पीरियड का सब्सक्रिप्शन जो करंट ईयर में मिला नहीं, पिछले साल का सब्सक्रिप्शन जो करंट ईयर में मिला नहीं, तो वो पिछले साल का इनकम है, करंट ईयर का इनकम नहीं है। तो करंट ईयर का अगर वो इनकम नहीं है तो करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन को जो हमने रिसीव करा है उससे हमको क्या करना होगा, माइनस। तो हमको यहां इनर कॉलम में 22,000 लिखना है और लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 1,000। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 1,000 मतलब यहां पे आपका निकल कर आया 21,000। उसके बाद है आगे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तय बात है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में लीजिए
आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग वाला 2000। देखिए ओपनिंग को अगर हमने माइनस किया है तो क्लोजिंग को क्या करेंगे, प्लस, कोई भी बता देगा। तो एड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हमारा कितना है 2000। आप ध्यान दीजिए, जो आउटस्टैंडिंग है उसका जस्ट उल्टा क्या होता है, एडवांस। आउटस्टैंडिंग का जस्ट उल्टा क्या होगा, एडवांस। अब इसको समझने की जरूरत है, इस टेक्निक को समझने की जरूरत है, इस तकनीक को थोड़ा बेहतर तरीके से समझिए। अगर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हमने घटाया है तो ओपनिंग एडवांस हम ऐड करेंगे, क्योंकि आउटस्टैंडिंग का ठीक उल्टा क्या है, एडवांस। आउटस्टैंडिंग का मतलब बकाया, एडवांस का मतलब समय से पहले ही मिल गया। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग अगर हमने घटाया है तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो चलिए यहां पर एक ऐड और डाल लेते हैं, ओपनिंग एडवांस। ओपनिंग एडवांस कितना है 3000, लीजिए इसको हमने 3000 ऐड कर लिया। 21000 प्लस 2000 23000 प्लस 3 26000। उसके बाद अगला आइटम क्या है, अगला आइटम है आपका क्लोजिंग एडवांस। तय बात है ओपनिंग एडवांस हमने क्या किया है, प्लस किया है। ओपनिंग एडवांस प्लस किया है तो क्लोजिंग एडवांस क्या करेंगे, लेस करेंगे, लेस क्लोजिंग एडवांस। इस टेक्निक से हम इस एडजस्टमेंट को आराम से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो इसको हमने लेस किया, 26 में 5 गया 21000। सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट वन साइड हो गया। अब ध्यान दीजिए, इन दोनों का तो दो जगह हो गया, लेकिन नीचे का जो दोनों था उसका दो जगह नहीं हुआ। ओपनिंग एडवांस ध्यान दीजिए, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग अगर एसेट्स में, तो ओपनिंग एडवांस लाइबिलिटीज में, एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना, ओपनिंग एडवांस ओपनिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में कितना 3000। फिर से मैं दोबारा बोल दूं आपको, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अगर ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में, और एडवांस जो है वो आउटस्टैंडिंग का होता है उल्टा, तो ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में। उसी तरीके से क्लोजिंग एडवांस क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में कितना 5000। तो लीजिए ये रहा आपका एडजस्टमेंट का काम, फिनिश हो गया। अब इसको हम इसके बारे में नहीं सोच रहे, अब हम लोग प्लेन डेटा पे आ जाते हैं। प्लेन डेटा बोला ये जो डेटा है इसका ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ एक जगह होगा, बिकॉज ये एडजस्टमेंट का इंफॉर्मेशन नहीं है, एडिशनल इंफॉर्मेशन नीचे था, इसका ट्रीटमेंट हम लोगों ने दो दो जगह कर लिया। अब हम लोग आते हैं मेन स्ट्रीम में, ये डेटा इसको हम लोग कहां कहां ले जाएंगे। देखिए ओपनिंग कैश ये है क्या, सिंपल सा बात है, कैश तो एसेट्स ही होता है ना, कैश एसेट्स होता है। कौन सा एसेट है, ओपनिंग, लीजिए ओपनिंग में चले गए हम लोग, यहां कैश इन हैंड। ओपनिंग कैश इन हैंड हमारे पास कितना पड़ा हुआ है 8000, लीजिए यहां चला गया, इसका ट्रीटमेंट हमने कर लिया, इसको मैं टिक आउट कर लेंगे। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन, जिसको हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट एंडोमेंट फंड, ये कैपिटल नेचर का रिसिप्ट है, कैसा रिसिप्ट है, कैपिटल नेचर का। एंडोमेंट फंड कैसा रिसिप्ट है, कैपिटल नेचर का। देखिए बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंडोमेंट फंड के आने की पूरी संभावना है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म आने का संभावना है कि एंडोमेंट फंड होता क्या है। एंडोमेंट फंड कैपिटल नेचर का रिसिप्ट होता है और ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए लाइबिलिटीज है, क्या है, लाइबिलिटीज। अब अच्छे से समझिए, बोला ओपनिंग कैश को छोड़कर और कोई भी आइटम ऐसा नहीं है जो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, ओपनिंग कैश को छोड़कर और कोई भी आइटम ऐसा नहीं जो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। आप देख लीजिए यहां से लेकर यहां तक किसी में भी ओपनिंग नहीं लिखा हुआ है, मतलब वो करेंट ईयर का ट्रांजैक्शन है, और करेंट ईयर का ओपनिंग डेट को छोड़कर कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन होगा अगर वो कैपिटल नेचर का है तो वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, कैपिटल नेचर का है तो वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। फिर से आपको याद दिला दूं, मैं कल मैंने कहा था कि कैपिटल और रेवेन्यू, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर, कैपिटल नेचर का रिसिप्ट, रेवेन्यू नेचर का रिसिप्ट, इसके लिए एक स्पेशल क्लास हम रखेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से उसको समझाया जा सके। अभी फिलहाल हम आपको यह बता रहे हैं एग्जामिनेशन में तकनीक और टेक्निक को इस्तेमाल करके कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है और कैसे मार्क्स ले आना है, बिकॉज एग्जाम अभी हमारे सर पे है, तो अभी एग्जाम की बात करते हैं, अभी ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाते हैं। एग्जामिनेशन में अगर आप क्वेश्चन सही बनाकर आते हैं तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा और आपका आगे का राह क्या होगा, आसान हो जाएगा। लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, सब्सक्रिप्शन हो गया, एंडोमेंट फंड के बारे में मैंने कहा आपसे, ये कैपिटल रिसिप्ट है, कैसा रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट। तो ध्यान दीजिए कैपिटल रिसिप्ट है, लाइबिलिटीज होगा तो हम इसको लाइबिलिटीज में ले जाएंगे,
एंडोमेंट फंड, एंडोमेंट फंड हमारा 30,000 है, हम लाइबिलिटीज में लेकर चले गए। उसके बाद हमारा है इंट्रांस फी, इंट्रांस फी रेवेन्यू नेचर का रिसिप्ट है, रेवेन्यू नेचर का, तो उसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले जाएंगे। इंट्रांस फी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले जाएंगे बाय इंट्रांस फी, ध्यान दीजिएगा बाय इंट्रांस फी रुपीज टेन थाउजेंड। उसके बाद आता है निकल के सैलरीज, देखिए सैलरीज एक्सपेंडिचर है और रेवेन्यू नेचर का है, तो वहां ले जाएंगे एक्सपेंडिचर में। कल ही हम लोग बात कर चुके थे ये कोई भी रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर, पेमेंट हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर वो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है और करेंट ईयर से रिलेटेड रिलेशन रखता है तो एक्सपेंडिचर करेंट ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा। आइए लिखे सैलरी, इसको लेकर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो प्लेन आराम से ये हाँ में कह लेते हैं 6,000 रुपया। नेक्स्ट है रेंट, ये भी रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है तो टू रेंट कितना 5,000। उसके बाद है डोनेशन, ये रेवेन्यू नेचर का इनकम है बाय डोनेशन, बाय डोनेशन हम लिखेंगे कितना 3,000। उसके बाद है ऑनोरेरियम, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है टू ऑनोरेरियम 4,000। क्वेश्चन का जितना भी इंफॉर्मेशन था उन सारे इंफॉर्मेशन को जहां जहां पुट करना था कर लिया हमने। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमने बनाया था, उसके जरिए हम लोगों को क्लोजिंग कैश का पता चला था, ये आपको पहले से पता है, हम लोग बना चुके थे। उसका क्लोजिंग कैश था 58,000, क्लोजिंग कैश था 58,000, और जो क्लोजिंग कैश है वो क्लोजिंग एसेट है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में ले जाएंगे। लीजिए कैश हम लिख दे रहे हैं 58,000, क्लियर है, और कोई भी एसेट यहां दिख नहीं रहा है। मेरे ख्याल से सारा डेटा हम लोगों ने पुट कर लिया है। अब हम लोग को इसका रिजल्ट निकालना है, इसका रिजल्ट हम लोगों को निकालना है। रिजल्ट निकालने के लिए कंपेयर करना पड़ेगा, यहां दिखने से लग रहा है ना कि क्रेडिट साइड इट मींस इनकम साइड का टोटल क्या ज्यादा, पहले इसको टोटल कर लेते हैं। देखिए इनकम साइड का टोटल और एक्सपेंडिचर साइड का टोटल कंपेयर करेंगे 21,10, 31,3, 34,000। फिर से कर लेते हैं 21 और 10, 31,000 + 3, 34,000। इधर देखते हैं 6, 5, 11, 4, 15,000, लीजिए ये हो गया 15,000। इनकम साइड का टोटल 34,000 और एक्सपेंडिचर साइड का टोटल 15,000। अब इसको जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, तो हम लोगों ने 11th में पढ़ा है अगर इनकम ज़्यादा हो एक्सपेंडिचर कम हो तो वहाँ नेट प्रॉफिट निकलता है, लेकिन हम लोग यहाँ नेट प्रॉफिट टर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसका कारण ये है कि यह जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रेडिंग कंसर्न का नहीं है, ये ऐसा कंसर्न है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है। इसलिए यहाँ जो इनकम का जो एक्सेस है एक्सपेंडिचर के ऊपर, इट मींस एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, इसके डिफरेंस को हम लोग बोलेंगे सरप्लस। क्या बोलेंगे? सरप्लस। तो देखिए डिफरेंस क्या आ रहा है, आराम से हम लोग देख सकते हैं, इसका डिफरेंस 19,000 आ रहा है। कितना डिफरेंस आ रहा है? 19,000। इस 19,000 को हम लोग या तो सरप्लस बोलेंगे या एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर बोलेंगे। इस 19,000 को या तो सरप्लस बोलेंगे या एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर बोलेंगे। लीजिए इसका बैलेंसिंग फिगर आपको एक्सपेंडिचर साइड आने वाला है। रीजन क्या है? इनकम साइड क्या है? ज्यादा। तो इनकम साइड को हम लोगों ने कितना लिख दिया? 34,000। और यहाँ जो बैलेंसिंग फिगर है, जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं सरप्लस और एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एज यू विश, जैसा आप चाहते हैं वैसा आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो सरप्लस जो हमारा निकला वो 19,000 निकला। हम लोगों ने यहाँ देखा कि सरप्लस हमारा क्या निकला, 19,000। ये हमारा रिजल्ट है, ये हमारा रिजल्ट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, और ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का रिजल्ट, फिर ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। अब आइए क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने से पहले हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट को बैलेंस कर लेते हैं। क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने से पहले हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट को बैलेंस कर लेते हैं। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। देखिए आपका जो ओपनिंग बैलेंस शीट का जो एसेट साइड है वो है आपका 18,000।
हम लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ा था 11th में, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, इट मींस एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज, क्या कहलाएगा वो? वो कहलाएगा कैपिटल. क्या कहलाएगा वो? कैपिटल. ओपनिंग बैलेंस शीट जब कॉन्सेप्ट बताया जा रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का मेन पर्पस होता है ओपनिंग कैपिटल फंड जानना. ओपनिंग कैपिटल फंड जानना. तो हम लोगों ने यहां देखा आपका एसेट साइड का टोटल 18,000 है, सॉरी 9,000 है. एसेट साइड का टोटल 9,000 है और लाइबिलिटीज का 3,000. तो 9 में से 3 गया, आपका आया ये 6,000. ये क्या है आपका? ये आपका बैलेंसिंग फिगर है. ये क्या है? बैलेंसिंग फिगर. ये बैलेंसिंग फिगर. ये क्या है? बैलेंसिंग फिगर. क्या निकला है कैपिटल आपका? बैलेंसिंग फिगर. ये कैपिटल फंड जो यूज होगा क्लोजिंग बैलेंस शीट को बनाने में यूज होगा. ये जो कैपिटल फंड है इसका जो इस्तेमाल होगा वो क्लोजिंग बैलेंस शीट को बनाने में होगा. अब देखते हैं कैसे पुट करते हैं. ये जो ओपनिंग कैपिटल है वो देखिए क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैसे जाता है. यहां लिखेंगे कैपिटल फंड. तो ओपनिंग कैपिटल फंड 6,000 जो हमारा निकला कहां से है? ओपनिंग बैलेंस शीट में से. पूरे साल में एक्टिविटी के बाद सरप्लस कितना दिख रहा है? 19,000. तो इस कैपिटल फंड में सरप्लस को ऐड करते हैं. सरप्लस को क्या करते हैं? ऐड. कितना ऐड किया हम लोगों ने यहां पे? 19,000 लीजिए. तो 19,000 को इस कैपिटल फंड में जब ऐड करेंगे, ये जो कैपिटल फंड है ओपनिंग बैलेंस शीट से निकल कर आया है और यहां इनर कॉलम में हमने लिख दिया क्लोजिंग वाले में, क्लोजिंग बैलेंस शीट के इनर कॉलम में हमने लिखा ओपनिंग कैपिटल फंड, और इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आया हुआ सरप्लस को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 25,000 और ये बन जाएगा क्लोजिंग कैपिटल फंड. क्या बन जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल. ध्यान दीजिए क्या बन गया? क्लोजिंग कैपिटल. ओपनिंग कैपिटल फंड था आपका 6,000, 19,000 के सरप्लस को उसमें ऐड किया तो क्या बन गया? क्लोजिंग कैपिटल फंड. अब ध्यान दीजिए इसको हम लोग थोड़ा ऐड करके देख लेते हैं कि हम लोग सही है या गलत है. 5,000 प्लस 30, 35 और 25 हो गया ये 60,000 और ये भी हो गया आपका 60,000. इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने जो क्वेश्चन बनाया उसका देखिए आपका जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है वो टैली कर गया है दोनों साइड, मतलब हम लोगों का क्वेश्चन कंप्लीटली सही बन गया है. अभी जो हम लोगों ने एग्जाम्पल तो कंप्लीट एग्जाम्पल को जो देखा, इस एग्जाम्पल के हेल्प से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना सीखा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना सीखा, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना सीखा, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना सीखा. ओपनिंग बैलेंस शीट आपके वर्किंग नोट का पार्ट है, ये मेन सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है. आपका मेन सॉल्यूशन का पार्ट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट. यहां ध्यान देने की बात यह है कि क्वेश्चन जो आपका एग्जामिनेशन में अगर आएगा तो क्वेश्चन में दिया रहेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट और एडिशनल इंफॉर्मेशन. रिसिप्ट एंड पेमेंट और एडिशनल इंफॉर्मेशन, उन दोनों को स्टडी कर, उन दोनों को देख करके आपको बनाना क्या होगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट. इससे रिलेटेड जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है वो कल हम लोग करेंगे. आज हम लोगों ने एक कंबाइन तरीके से पूरे रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट को बनाना सीखा. अब इससे जुड़ा हुआ छोटा छोटा कॉन्सेप्ट जिस पे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं उस सारे टॉपिक्स को हम लोग कल करते हैं. आज के लिए इतना ही. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. उम्मीद करते हैं हमारा आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इस बात का भी उम्मीद करते हैं कि अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हो पाए, अच्छा महसूस करें और कल फिर से आपको अच्छे वीडियोस बनाकर दे जो आपके एग्जामिनेशन को क्लियर करने में आपको बहुत मदद करेगा. थैंक यू वेरी मच.